हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक एकेडमी स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोग ऑलमोस्ट आप लोगों के क्लास 12th के चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट मैंने आप लोगों को 14 चैप्टर का रिवीजन भी करवा दिया, और आप लोगों का 7 चैप्टर में जो पोर्शन छूटा हुआ था प्लांट हार्मोन्स का, वो भी मैंने आप लोगों को 14 चैप्टर में जो रिविजन करवाया था उसी में इंक्लूड कर दिया है। आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों का यहाँ पर लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, जो कि है बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। लास्ट चैप्टर है, इजी भी है एंड ज़्यादा वेटेज का चैप्टर नहीं है। आप लोगों के जो वेटेज वाले चैप्टर थे ना एग्जाम में, जो मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर आते हैं, वो आप लोगों के ऑलरेडी वो जो लास्ट चैप्टर थे ना, लास्ट 9th और 10th चैप्टर, वो कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद से आई एम नॉट सेइंग दैट दैट 11th से लेकर जो 15th तक चैप्टर है दैट नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर इम्पॉर्टेंट, बट ये ज़्यादा वेटेज वाले नहीं होते हैं। तो सिंपल है, आप लोगों को जितना बताओ उतना आप कर लीजिए। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल इशू, तीनों की चीज़ें बारे पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही होगा, इसमें से 15.7, 15.8, 15.9 और 15.10, ये पार्ट तो ऑलरेडी आप लोगों के क्या है, यहाँ पर रिड्यूस्ड हैं, तो इनको तो हमें करना नहीं है। 15.1 से लेकर 15.6 तक ये हमें करना है, और लास्ट में है 15.11, छोटा सा पार्ट है हरित मिशन वाला, वो करना है। और यहाँ पर जो आप लोगों के हैं 15.1 से 15.6 और 11 वाला मोस्ट कॉमन है, जो सबसे एक होता है ना कि इम्पॉर्टेंट वाला, वही आप लोगों को रिड्यूस कर दिया है। 7.7, 0.8, 0.9 और 0.10 वाला पार्ट ये हमें करना नहीं है, छोटा पार्ट बचे हुआ है तो करते हैं। सबसे पहले आता है डाइवर्सिटीज वेराइटी। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है वो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन कर लीजिए, दैट बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स अ वास्ट एरिया ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, एल्गी, फंजाय, प्लांट्स, एनिमल्स ऑकरिंग ऑन द अर्थ आइदर इन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस व्हिच दे आर पार्ट। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन कर लीजिए, पूछ लेते हैं 2 मार्क्स की, बाकी का पूरा काट लीजिए, आप लोग को और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक, यहाँ से बता देते हैं कि यहाँ से क्या पूछा जाएगा, पूरा काट दीजिए, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। सिंपल डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर यहाँ से करना चाहते तो यहाँ से भी कर लीजिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेचर विच इंक्लूड द डिफरेंसेस इन द जीन्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, द वेराइटी एंड द रिचनेस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज एट डिफरेंट स्केल्स इन अ स्पेस, लोकल रीजन, कंट्री एंड द वर्ल्ड, एंड द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक विद इन अ डिफाइंड एरिया। कोई भी डेफिनेशन कर लीजिए, जो लास्ट बताई वो भी कर लीजिए, अगर इस वाले डेफिनेशन को करना चाहते हैं तो ये भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज एक्चुअली कॉइन्ड बाय वाल्टर रोजन इन 1982, बट द टर्म वॉज पॉपुलराइज बाय सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब कॉमन डाइवर्सिटी। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कर लीजिए। ये जो टर्म दिया था वो एक्चुअली में वाल्टर रोजन ने दिया था 1982 में, बट इसको पॉपुलराइज किसने किया था, सोशियोलॉजिस्ट थे एडवर्ड विल्सन ने, कम्बाइंड डाइवर्सिटी में इसमें पॉपुलराइज करा गया था। यहाँ तक इंपॉर्टेंट हो गया, पूरा काट दीजिए, ये पूरा काट दीजिए, है ही नहीं इंपॉर्टेंट तो क्या करें। फर्स्ट पे पॉइंट चाहिए, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड कैन बी ऑब्जर्व एट वेरियस लेवल रेंजिंग फ्रॉम मॉलिकुलर टू इकोसिस्टम लेवल, यानी कि बहुत सारे लेवल पर प्रेजेंट है, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ऑलरेडी आप लोगों ने 9th 10th में पढ़े होंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये आप लोगों के लेवल्स हैं। ऊपर का स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, ये पैराग्राफ है, लेवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल आप लोगों को पूछा जाएगा लेवल कौन कौन से हैं, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सबसे पहले मूव ऑन करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी पे, हो सकता है इसके बारे में आप लोगों को कम से कम 3 और 4 मार्क्स में पूरा पॉइंट्स में समरी में लिखने के लिए आप लोगों को दे दिया जाए, तो इसका देख लीजिएगा। इट इज अ इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो पहले यही बन गया, इट इज अ इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। अब होती क्या है ये भी देख लेते हैं। इट इज अ डाइवर्सिटी इन द नंबर एंड द टाइप ऑफ जीन्स एज वेल एज क्रोमोजोम प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑल्सो द वेरिएशन इन द जीन्स एंड दे आर एलेस इन द सेम स्पीसीज। देखिए यहाँ से तो पूरी डेफिनेशन हो गई 2 मार्क्स की, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी, सिंपल एग्जाम्पल दूंगी, एक बार में समझ जाओगे। मैं ह्यूमन्स की बात करूँ, ह्यूमन्स इज अ स्पीसीज, ह्यूमन्स क्या है, एक अपनी अलग स्पीसीज है, सेपियंस स्पीसीज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, पता ही है ना सब लोगों को, ह्यूमन्स की अलग स्पीसीज है, सेपियंस स्पीसीज के नाम से जानते हैं। क्या ह्यूमन्स में डिफरेंट टाइप की जेनेटिक्स नहीं है? जितने भी ह्यूमन्स हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 54 लाख 1 करोड़ 1 बिलियन 1 ट्रिलियन, जितनी भी पॉपुलेशन है, हर किसी के अपने अलग अलग क्या है, जीन है। मेरा जीन कुछ और होगा, आपकी बॉडी का कुछ और होगा, आपके पेरेंट्स का कुछ और होगा, आपकी फैमिली में कजन, सिस्टर, ब्रदर, हर किसी का अपना अलग अलग होगा। सो इन द सेम स्पीसीज, क्योंकि ह्यूमन्स एक अपनी सेम स्पीसीज है,
उस सेम स्पीसीज में हर किसी के अपने अलग अलग जीन्स होंगे, अलग अलग एलील्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और ये भी तो मैंने सिर्फ ह्यूमंस का एग्जांपल दिया क्योंकि वो अच्छे से समझ में आता है, बाकी का आप कोई भी अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं रिलेटेड टू अदर स्पीसीज। गॉट इट? यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बता देती हूँ। सिंपल, एक तो आप लोगों की डेफिनेशन पूछी जाएगी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, 2 मार्क्स की, 2 से 3 मार्क्स की डेफिनेशन पूछ लेंगे, 1 मार्क्स में गलत क्वेश्चन बन जाएगा, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। अब आप लोगों का यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये है एक्स्ट्रा, कि अगर आप लोगों को 3 से 4 मार्क्स में पूछ लिया, 2 मार्क्स में ना पूछ के 4 मार्क्स का पूछ लिया, 5 मार्क्स का पूछ लिया, देन यू हैव टू ट्राई राइट इन एक्स्ट्रा। लाइक इट इंक्लूड्स वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी बिटवीन पॉपुलेशन, फिर आप लोगों को उसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक्चुअली डाइवर्स जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, कि एक ही स्पीसीज में बहुत सारी, मतलब एक ही पॉपुलेशन में बहुत सारी डाइवर्सिटीज का वहां पर प्रेजेंट होना, जेनेटिक वेरिएशंस का इन द सेम स्पीसीज, राइट? और वहां के अपनी लोकल कंडीशंस को, लोकल एनवायरमेंट को एडेप्ट करते हैं और सर्वाइव करते हैं, फिर आप उसको अपनी तरीके से सॉल्व एक्स्ट्रा लिख के आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि वह एग्जामिनर एग्जामिनर ने आप लोगों से क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा है। जहां ये जो इम्पोर्टेंट था वो यहाँ तक था, उसके बाद ये आ जाता है फिर एक्स्ट्रा पार्ट, कि अगर आपको एग्जामिनर ने 1-2 नंबर का भी ज्यादा पूछ लिया, देन यू हैव टू राइट एक्सप्लेन मोर समथिंग। ओके, यहाँ पे देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ सब स्पीसीज रेसेस आर एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके अलावा दैट 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज एंड 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस और वीट इन इंडिया प्रेजेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। अनदर जेनेटिक डाइवर्सिटी इज अ मेडिसिनल प्लांट लाइक रोवोल्फिया वोमिटेरिया व्हिच सेक्रेट्स एक्टिव कंपोनेंट रेसिफाइन फाउंड इन डिफरेंट हिमालय रेंजेस। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया आप लोगों का इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों का कोई भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मार्क करवा दिया। नेक्स्ट आती है हम लोगों की यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटीज, ये होती है आप लोगों की इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, द नंबर ऑफ अ स्पीसीज ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर प्रेजेंट इन अ रीजन कॉन्स्टिट्यूटेड स्पीसीज डाइवर्सिटीज। ऑब्वियसली बात है, हमारे इस पूरे अर्थ में, इस पूरी अर्थ पर कितनी सारी स्पीसीज अवेलेबल है, ह्यूमंस की स्पीसीज, कैट की स्पीसीज, डॉग की स्पीसीज अवेलेबल है ना, तो वही आ जाती है हम लोगों की स्पीसीज डाइवर्सिटी में। एनिमल्स की आप लोगों को कितनी डाइवर्सिटी स्पीसीज प्रेजेंट है, सेम एज इट इज प्लांट्स की, सिंपल। स्पीसीज डाइवर्सिटी डील्स विद द वैरायटी ऑफ स्पीसीज एज वेल एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑब्जर्व इन इंडिया अंडर स्टडी, सिंपल, इतना याद कर लीजिए। एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं दैट एम्फीबियंस स्पीसीज डाइवर्सिटी मोर इन वेस्टर्न घाट देन इन ईस्टर्न घाट, और हर जगह पे जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज की वो अलग अलग नंबरिंग में वेरी करती है, ये तो पता ही होगा। इंडिया इज वन अमॉन्ग 50 नेशन दैट आर रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आती है हम लोगों की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विद इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। हमें पता है ना किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत सारे इकोसिस्टम बने होते हैं, पॉन्ड इज अ इकोसिस्टम, रिवर इज अ इकोसिस्टम, एंड एक्वेरियम इज ऑल्सो इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इज अ इकोसिस्टम, तो कितने सारे इकोसिस्टम है जहाँ पर लोग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वहाँ पे बायोटेक अबायोटेक दोनों फैक्टर्स पे क्या है डिपेंड है, ये होता है आप लोगों का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है? हर एक अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन का अलग अलग रहता है। यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट था वो इतना ही था एज अ डेफिनेशन, बाकी का आप लोग अपना और एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो लोग जानते हैं आप लोग, ठीक है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज वेरी हाई इन इंडिया व्हाइल इट इज क्वाइट लो इन नॉर्वे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। बहुत सारी वैरायटी डाइवर्सिटी इकोसिस्टम होते हैं ये तो पता ही है, लाइक डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, डेसीडियस फॉरेस्ट, एस्चुरीज, वेटलैंड, ग्रासलैंड, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन वेस्टर्न घाट शो ग्रेटर ग्रेट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी व्हाइल रीजंस लद्दाख एंड रन ऑफ कच्छ डू नॉट शो वेरिएंस लाइक वी ऑब्जर्व इन वेस्टर्न घाट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आप कर दीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, 2 पैटर्न होते हैं लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल ग्रेडिएंट एंड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, 2 होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल ग्रेडिएंट्स। यहाँ पे आप लोगों के जो एरिड, सेमी एरिड, एक्वेटिक हैबिटेट शो लैटिट्यूडनल एल्टीट्यूडनल ग्रेडिएंट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूडनल की बात करें, इकोलॉजिकल स्टडीज हैव रिवील्ड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म अराउंड द ग्लोब। हमें एक चीज तो पता चल गई कि हमारे इस पूरे ग्लोब पर जो हमारी डाइवर्सिटी है वो कहीं इक्वल तो है नहीं है, अलग अलग बटी हुई है, कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है।
स्पीसीज रिचनेस एग्जिबिट्स लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्पीसीज रिचनेस इज हायर एट लोअर लैटिट्यूड एंड देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन टुवर्ड्स द पोल्स. यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व करी गई है कि जो स्पीसीज रिचनेस है वो जो लोअर लैटिट्यूड्स है ना, लाइक इक्वेटर वाला और जो टेम्परेट वाला जोन है वहां पर ज्यादा है, और जो डिक्लाइन पर चलते चले जाते हैं तो वहां पर जो स्पीसीज है वो बहुत ही कम प्रेजेंट है, क्योंकि स्नो वाला एरिया होता है, वहां रह ही नहीं पाते हैं. फैक्टर्स क्या है वहां के, कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं ईयर टू ईयर, ठीक है, सनलाइट का अवेलेबिलिटी ना होना, फेवर्ड स्पीशिएशन यानी कि जो खाना पीना रहना होना चाहिए वो उनके अगेन रहता ही नहीं है, तो वो वहाँ पे रह नहीं पाते हैं, ठीक है. ड्रास्टिक डिस्टर्बेंस वगैरह ये सभी चीजें हो जाती हैं. सो लेसर माइग्रेशन एंड ट्रॉपिक माइट हैव रिड्यूस्ड जीन फ्लो बिटवीन ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड रीजन एंड फेवर्ड स्पीशिएशन. तो यहाँ पर अब बात करें जैसे लैटिट्यूडनल में ना, वहाँ पर उन लोगों को सारी चीज मिल रही है क्योंकि वहाँ पर है, तो वो लोग माइग्रेशन कम करते हैं तो जो स्पीसीशन का एक ब्रीड आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, बहुत कम हो जाती है. अब साइंटिस्ट ने इस चीज को भी बताया था कि मोर इंटेंस सनलाइट, वार्मर टेम्परेचर, हायर एनुअल रेनफॉल, ये कहीं ना कहीं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसी भी जगह पे हायर स्पीसीज की एबिलिटी के लिए, ठीक है. यहाँ पर आप लोगों का वही सब लिखा हुआ है, ये वाला काट दीजिए. एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रूट्स बीइंग अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर इन रेन फॉरेस्ट, वैरायटी ऑफ फ्रगिवोरस ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली मोर एज कम्पेयर टू द टेम्परेट रीजन, क्योंकि वहाँ उनको ऐसा एनवायरमेंट मिल रहा है जहाँ वो सर्वाइव कर पा रहे हैं. यही हम बात करें स्पीसीज रिचनेस और डाइवर्सिटी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मार्क में डेफिनेटली पूछ लेते हैं. मैक्सिमम जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, 40,000 प्लांट, 1300 बर्ड, 427 मैमल्स, 33,000 स्पीसीज, सबसे ज्यादा यहाँ पे स्पीसीज प्रेजेंट है. उसके बाद एल्टीट्यूडनल की बात करें, अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल टू अपवर्ड डायरेक्शन. एक था लैटिट्यूडनल, इस तरीके से लेटी हुई जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती है. एक होता है एल्टीट्यूडनल, दैट मीन्स एक लॉन्गिट्यूडनल मान सकते हो, हाइट फ्रॉम सी लेवल टू अपवर्ड. स्पीसीज डाइवर्सिटीज इज मोर एट लोअर एल्टीट्यूड देन अ हायर एल्टीट्यूड, यानी कि लोअर एल्टीट्यूड पर ज्यादा है, हायर एल्टीट्यूड पर कम है. वही हायर एल्टीट्यूड पर वही पोल्स वाला रीजन आ जाता है, क्लाइमेटिक सीजनल वेरिएशंस ये सारी चीजें हो नहीं पाती हैं, तो वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी भी कम है. एक आता है आप लोगों का स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. साइंटिस्ट हैव ट्राई टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज डाइवर्सिटीज एंड साइज ऑफ द हैबिटेट, एंड इट इज कंसिडर्ड दैट नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सिंपल, साइंटिस्ट को क्या पता चला कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के. एरिया कैसा है उनके अगे, मतलब उनके अकॉर्डिंग है, सनलाइट प्रॉपर है, खाना प्रॉपर है, और हैबिटेट वहाँ का प्रॉपर है या नहीं है. सो द नंबर ऑफ स्पीसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. यहाँ पर आपको ये आप लोग का ग्राफ अवेलेबल है, हो सकता है ग्राफ बनाने के लिए आ जाए. हम्बोल्ट एक थे, यहाँ पर हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट स्पीसीज रिचनेस डज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एरिया बट अप टू अ लिमिट. उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि कहीं पर भी कोई स्पीसीज अगर इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली बात है कि अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो स्पीसीज की जो रिचनेस है वो भी इंक्रीज होगी, बट एक लिमिट तक, ऐसा नहीं है बिल्कुल होती चली जा रही है. इसलिए जो इसका जो कर्व है वो हमेशा रेक्टेंगुलर पैरा हाइपरबोला बनता है. यहाँ पर आप लोगों को जो बताया गया है कि यहाँ पर जो एस जेड है, एस यहाँ पे है स्पीसीज रिचनेस को शो कर रहा है, ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी एज द वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इज द स्लोप ऑफ द लाइन, एंड दिस रिलेशनशिप कैन बी डिस्क्राइब एज अ इक्वेशन log s is equals to log c plus z log a. That's important. हो सकता है लिखने के लिए आ जाए. On logarithm scale, this relationship is straight line. यही हम logarithm scale पे बात करेंगे, तो straight line दिखाता है. For smaller area, value of z ranges from 0.1 to 0.2 regardless of species or reason under study. Okay? बट फॉर द लार्जर एरिया, स्मॉलर एरियाज के लिए दिखाएगा, लार्जर एरियाज के लिए एंटायर कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे, स्लोप्स आर क्लोजर टू वर्टिकल एक्सिस लाइक स्टीपर, एंड दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट इन वेरी लार्ज एरिया. ये सारी चीजें इतना लिखने के लिए नहीं आएगा. नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर आप लोगों को अपने तरीके से यहाँ एक्सप्लेन करके आना है, लिख के आना है एग्जाम में दैट वाइज स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट टू द इकोसिस्टम. ऑब्वियसली बात है, टू बैलेंस द आर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए
राइट। अब इसमें जो चीज चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक है डेविड टिलमैन कैरिड आउट वेरियस फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रूव दैट स्पीसीज रिचनेस डज हैव द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। दो मार्क्स का यहाँ पर रिच डाइवर्सिटी लीड्स टू लेसर वेरिएशन इन बायोमास प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। यहाँ पर जो रिच डाइवर्सिटी है वो हमारे बायोमास प्रोडक्शन में जो वेरिएशन होते हैं उसको कम करती है, ठीक है, और टाइम टू टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। इसके बाद आए थे पॉल एंड्रिल्च एन इकोलॉजिस्ट फ्रॉम स्टैनफोर्ड गिव एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्सिटी। वन मार्क्स का क्वेश्चन, इसको हम लोग राइविट प्रॉपर हाइपोथेसिस कहते हैं। ही कंपेयर एरोप्लेन टू इकोसिस्टम एंड ही स्पीसीज एज रिवर्स दैट कीप ऑल पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन टुगेदर। ये इन्होंने मांगा था, यहाँ से इंपॉर्टेंट है दो तीन मार्क्स का। उसके बाद पूरा काट दीजिए, उसके बाद आप लोगों का इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ तक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम लोगों की डाइवर्सिटी में, हमारे इकोसिस्टम में जितनी भी डाइवर्सिटी है वो अबायोटिक, बायोटिक, फूड चेन, एनर्जी फ्लो, साइकिल एंड फूड वेब, इन सबको फॉलो करती है, ठीक है, और हमारे पूरे इकोसिस्टम को क्या करती है, बैलेंस करती है। ये आपको अपने तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ आप लोगों को जो बुक में लिखी है चीज़ें वो सिर्फ आप लोग को एक बताने के लिए, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए है, बाकी का इतना भी इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं है। जो आपको लिखोगे वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिस पर लिखोगे। बायोडाइवर्सिटी करंट सिनेरियो, करंट सिनेरियो का मतलब है कि आज के प्रेजेंट टाइमिंग पर हमारे बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। करंट सिनेरियो आप लोग जानते होंगे, अर्थ पर हमारी क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, कौन सी स्पीसीज का नंबरिंग इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। सेकेंड पॉइंट से करिए, फर्स्ट पॉइंट पूरा काट दीजिए। थ्रू ओवर 1.5 मिलियन स्पीसीज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड एज पर IUCN डेटा 2004 सो फार एंड वी आर नॉट स्टडी लॉट मोर देन दीज। यहाँ पर 1.4 मिलियन स्पीसीज 2004 के डेटा के हिसाब से अभी तक मिल चुकी हैं एंड वी आर, कभी बहुत सारी स्पीसीज है भी ऐसी जिसके बारे में अभी स्टिल हम लोग अनअवेयर हैं। ये लास्ट वाला पैराग्राफ पूरा कर दीजिए, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जैसे हम लोग बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द मेजर डाइवर्सिटी हब कहा जाता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो हम लोगों के मेजर डाइवर्सिटी हब कहे जाते हैं और वहाँ पर 20 से 50 मिलियन वेराइटीज वहाँ पर अभी तक फाउंड आउट हो चुकी हैं। एक थे हम लोगों के रॉबर्ट मे हैव बीन गिवन कन्विंसिंग एस्टिमेट अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज अराउंड द ग्लोब। रॉबर्ट थे, उन्होंने कितना एस्टिमेशन दिया था, 7 मिलियन स्पीसीज का दिया था। वन मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, वन मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, बाकी का पूरा लास्ट वाला काट दीजिए। ऑब्जर्व ऑब्जर्व हमें नहीं देखना। यहाँ से आप लोगों का ये पैराग्राफ पूरा एक ग्राफ अवेलेबल है, इस ग्राफ में करिएगा। ये जो तीनों ग्राफ है, तीनों ग्राफ कर लीजिए, ये तीनों ग्राफ आप लोगों के क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने ये जो डायग्राम्स देखे हैं इनमें पता है प्रोकैरियोट्स नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को इसमें प्रोकैरियोट्स नहीं मिलेंगे एंड सेवरल मोनेरल स्पीसीज आर नॉट कल्टिवेट अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस सो कन्वेंशनल टेक्नोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज। एक्चुअली क्या है, जो प्रोकैरियोटिक्स हैं ये हम लोग की एक ऐसी स्पीसीज है जो हम लोग के लेबोरेटरी कंडीशंस में कल्टीवेट आज तक नहीं हो पाई है, प्रोकैरियोट्स। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको टेक्सोनॉमिक बेसिस पर अलग कर भी नहीं कर रखा, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रखा है। एंड इंडिया बूस्ट अ हैंडसम शेयर ऑफ 8.1% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी वेल्थ ऑफ द अर्थ। वन मार्क्स का क्वेश्चन, वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द ग्लोब, इंडिया हैज 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मार्क्स वन का क्वेश्चन अगेन, we have identified around 45,000 plant species and nearly double the number of animal varieties from our natural wealth. Again one mark of question, yahan se mark karwaya hai, pura mark kar dijiye. Next hai may, isme scientist ka naam hai, may estimates of global diversity, we have recorded only 22% of our natural wealth. One mark of question again, theek baki pura kar dijiye, nothing is important. Do you know mein dekh lijiyega, do you know mein aap log ka ye likha hua hai, एक सेकेंड, दैट रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ नेचुरलिस्ट प्रूव दैट अ लिजार्ड फ्रॉम अबोली घाट ऑफ महाराष्ट्र वॉज मिस आइडेंटिफाइड एंड दे प्रूव इट ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए पॉलीफिलिंग एज वेल एज द नंबर ऑफ ग्लैंड्स एंड द स्केल्स प्रेजेंट ऑन द लेग्स ऑफ द लिजार्ड एंड अर्लियर थॉट टू बी अ हेमिटैकिट्रोडस ब्रूकी द लिजार्ड इज नाउ रीनेम्ड एज हेमिटैकिटलस वेरिब्री इन द ऑनर ऑफ द रिनोर्ड हर्पोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट डॉक्टर भरत गिरी दे ऑल्सो प्रूव दैट ब्रूकी वेराइटी इज नॉट फाउंड इन इंडिया। पहले ये महाराष्ट्र के अमोली घाट में मिल गिरी गई थी, उसके बाद मिस आइडेंटिफाइड हो गई थी, उसके बाद ये हम लोगों के जो यहाँ पर है
पहले के टाइमिंग पर ये इसका जो नाम था वो था हैबिटैक्लस ब्रुकी, अब इसका नाम रख दिया हैबिटैक्लस वरदगिरी क्योंकि इनको दोबारा से पाया गया था, ठीक है, और ये डॉक्टर वरदगिरी ने फाउंड आउट किया था तो उसके वरदगिरी पे नाम भी इनका रख दिया, लेकिन इंडिया में ये स्टिल अभी नहीं मिलती है। उसके बाद आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारी एक्चुअली में क्यों हो रही है, इसके तीन मेन रीजन है हमारे नेचुरल एक्सटिंक्शन। एक्सटेंशन क्यों हो रहा है, एक्सटेंशन मतलब जो खत्म हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो तीन तरीके के एक्सटेंशन होते हैं, नेचुरल एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन, मैनमेड एक्सटेंशन, ठीक है। तो बाकी का पूरा काट दीजिए, सिर्फ आप लोगों को पूछा जाएगा थ्री टाइप के एक्सटेंशन कौन कौन से हैं, नेचुरल होता है, मास एक्सटेंशन होता है, मैनमेड एक्सटेंशन होता है। इसके अलावा आप लोगों को कहाँ से इंपॉर्टेंट है, द करेंट देर आर फाइव ऑफ मास एक्सटेंशन ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। देखो बहुत सारी एक होते हैं तो यहाँ से मैं देख रही हूँ, अगर आपका इंपॉर्टेंट है तभी बताऊंगी, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आपको लिखने के लिए आता है यहाँ पर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, ऑब्वियसली बात है जो मेजर फैक्टर्स हैं वो आपको अपने आप लिखने पड़ेंगे, जैसे फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, इसके अलावा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ह्यूमंस की बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज अप हो रहे हैं बाय ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी इकोसिस्टम को लॉस कर रही हैं, तो ये तो आपको देखना है। प्लांट प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, डिसीज साइकिल बढ़ती जा रही है, इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा लॉस हो रहा है हर चीज का, बायोडाइवर्सिटी का, तो भाई जो हमारी बायो इकोसिस्टम है वो भी तो हमारा लॉस होगा, तो ये सारी चीजें अपने आप लिखनी पड़ेगी। बाकी का इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो, सिंपल कॉजेस पर मूव ऑन करिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में आता है तो कॉजेस ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मेन फोर कॉजेस हैं जिसको हम लोग बोलते हैं द इविल क्वाड्रेंट। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये हमारा प्राइमरी कॉज माना जाता है डिस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पर होता क्या है, रिडक्शन इन वास्ट नेचुरल हैबिटेट एंड लोकल डिग्रेडेशन बाय पॉल्यूशन क्रिएट क्राइसिस सिचुएशन फॉर द लिविंग बींग्स, ये होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कि हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है, लोकल डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्राइसिस सिचुएशन अराइज हो रही है ह्यूमन बींग्स की वजह से, दे आर कॉजिंग आर हैबिटेट वेरी फास्टली एंड ऑल्सो फ्रेगमेंटेशन। सो लॉस ऑफ लोकल हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट थ्रेट टू माइग्रेटरी बर्ड्स एज वेल एज दोज एनिमल्स दैट नीड लार्जर टेरिटरीज, एंड सो एज सेम एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एज एन ऑल्सो इन अलार्मिंग रेस्ट, बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 14 to 6% ओवर द ईयर्स। इस पूरे सालों में पहले 14% रहता हमारा बायोडाइवर्सिटी का, अब वो रिड्यूस होकर 6% हो चुका है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा 1 मार्क्स का। डू यू नो मैं साइंटिस्ट है, वो आप कर लीजिएगा। एक हमारा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन दैट ह्यूमन हैव द टेंडेंसी टू एक्युमुलेट बियॉन्ड देयर नीड्स एंड दिस रिजल्टेड इन द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि ह्यूमंस में अपनी खुद की इतनी कैपेसिटी है कि वो जितना चाहे रिसोर्सेज को यूज करे, और एक टाइम आता है कि वो रिसोर्सेज इतने कम हो चुके हैं कि अदर ऑर्गेनिज्म के लिए वो उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, दैट व्हेन अ न्यू स्पीसीज गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनी इकोसिस्टम एक्सीडेंटली और इंटेंशनली देयर आर चांसेस दैट इट प्रूव्स हार्मफुल फॉर एग्जिस्टिंग स्पीसीज। ऑब्वियसली बात है ये पहले से ही कोई स्पीसीज है, अब वहां पर कोई नई तरीके की एक स्पीसीज इंटेंशनली या एक्सीडेंटली क्या है वहां पर आ चुकी है, इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी है, और वो इतनी खतरनाक है कि वो दूसरी स्पीसीज को क्या कर रही है, हार्म कर रही है। तो यानी कि यहाँ पे सपोज करो कोई एक नई स्पीसीज आई, उसने 5 स्पीसीज को खराब मतलब खा गई, कुछ भी कर दिया, तो हमारा तो लॉस हुआ ना, कि मतलब एक आई लेकिन 5 को लेके चली गई, 5 को लेके डूब गई है, तो क्या है, लॉस ही तो हो रहा है हमारा। सो इट कैन लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ लोकल स्पीसीज एंड इन सच केस इट इज कॉल्ड एन इनवेसिव स्पीसीज। ऐसी कंडीशन में ऐसी स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं इनवेसिव स्पीसीज। स्पीसीज दैट द कैरेट ग्रास लैंटेना एंड वाटर हाइसेथिन दे आर द इनवेसिव स्पीसीज। एक नई तरीके की स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड हुई और अदर स्पीसीज को हार्म कर दिया इन्होंने। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीडेटर फिश नाइल पर्क इन लेक विक्टोरिया प्रूव्ड डेलिटेशियस इन 200 लोकल स्पीसीज ऑफ चिकचिल्ड फिशेस। प्रीडेटर फिश ने सेम एज इट इज इन इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस ग्रैपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस हैज प्रूव्ड हार्मफुल टू एंडेमिक कैटफिश वेराइटीज। ठीक है, ये बार लास्ट वाला काट दीजिए, सिर्फ इतना एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो फोर्थ कॉज है वो है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मीन्स मेनी अ टाइम्स ऑर्गेनिज्म आर एसोसिएटेड विद ईच अदर इन ऑब्लिगेटरी वे
In such cases, extinction of one variety leads to loss of associate variety from the ecosystem. Simple सा है. यहाँ पर क्या होता है, किसी एक स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो गया. उस एक स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होने की वजह से वहां पर जो दूसरी स्पीसीज, सपोज करो ये एक स्पीसीज, ये दूसरी या तीसरी स्पीसीज, ये दोनों किस पर डिपेंड है? इस फर्स्ट वाली पर डिपेंड है पूरी तरीके से. ये जो दोनों स्पीसीज है, ये फर्स्ट वाली पर क्या है? डिपेंड है. अब ये जो फर्स्ट वाली बिल्कुल ही एक्सटेंट हो गई, तो जो दूसरी और तीसरी वाली जो फर्स्ट वाली पर डिपेंड थी, वो तो अपने आप ही एक्सटेंट हो जाएंगी. यानी कि एक गई, बाकी दो को तो उसने साथ ही ले गई. सो द एग्जांपल है एक्सटेंशन ऑफ होस्ट फिश कॉजेज एक्सटेंशन ऑफ यूनिक पैरासाइट्स. सिंपल, क्योंकि पैरासाइट्स किसके अंदर थे? फिश के अंदर थे. फिश नहीं रही तो पैरासाइट्स भी गायब हो गए. को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर ऑल्सो विल हैव सच अ थ्रेट. सिंपल, इतना काट दीजिए लास्ट का, तो फिर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम्पल्स डायनासोर्स भी है. डायनासोर व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज स्टार्ट्स ड्विंगलिंग इट इज सेड टू बी इनडेंजर्ड. यानी कि कोई भी स्पीसीज के मेंबर कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि इनडेंजर्ड है, खतरे के निशान पर है. एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN मेंटेन्स अ रेड डेटा बुक आल्सो नोन एज रेड लिस्ट where conservation status of plant animal species is recorded. One marks a question. Okay, so do you know as you can see, आप लोग इसको कर सकते हैं. Next है, after a given species having, it is placed with one of the several categories. Species को हम लोगों ने तीन categories में divide किया. Extinct in the wild, critically endangered. Extinct मतलब जो बिल्कुल ही पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, सालों से हमने कहीं देखा नहीं है. Extinct in the wild, that a category containing those species who members survive only in captivity, यानी कि गायब हो चुके हैं लेकिन rare case में कभी दिख जाए. Extinct in the wild. Critically endangered, खतरे के निशान पर आ चुके हैं. कि suppose करो 100 member हैं, 100 members में से 90 गायब हो चुके हैं, 10 बचे हैं. Endangered, खतरे के निशान पर है. अगर इन 10 को भी नहीं बचाया गया तो वो भी extinct में चले जाएंगे. हम तीन categories में. इसके अलावा endangered, vulnerable, near threatened. Endangered का मतलब है यहाँ पर यहाँ पर एंडेंजर्ड का मतलब है कि वही चीज एक होता है यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत ज्यादा खतरे के निशान पर. जैसे कि मैंने बताया 100 कैटेगरी है, 100 एनिमल्स है, उसमें से 90 जा चुके हैं, 10 बचे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. क्रिटिकल कंडीशन होती है ना. एंडेंजर्ड मतलब 100 स्पीसीज है, उसमें से क्या है 60 गई है लेकिन 40 अभी बची है. यानी कि थोड़े से चांसेस है अभी कि हम उसको बचा सकें, 40 है. उसके बाद आती है वल्नरेबल. High risk of extinction as a result of rapid population decline of 32 more than 50%. यानी कि vulnerable में भी वही चीज है कि यहाँ पर क्या है, high risk of extinction है, ये भी गायब होने वाली है. Population यहाँ पर 30-50% 10 साल में क्या है, बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है, ये भी vulnerable में आ जाता है. Near threatened का मतलब है कि यहाँ पर आगे आने वाली फ्यूचर में हो सकता है कि हमारी बिल्कुल भी क्या हो जाए, मिले ही ना. नियर थ्रेटेड यानी कि गायब होने के कगार पर उनका इनकी नंबरिंग शुरू हो गई है. नियर थ्रेटेड. लीस्ट कंसर्न डेटा डेफिशिएंट नॉट इवोल्यूटेड. लीस्ट कंसर्न का है यहाँ पर अ कैटेगरी कंटेनिंग स्पीसीज दैट आर परवेसिव एंड एबिटेंट आफ्टर केयरफुल असेसमेंट. लीस्ट कंसर्न मतलब कोई भी स्पीसीज है उसकी नंबरिंग अभी ज्यादा है तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लीस्ट केयरफुल है क्योंकि उसकी नंबरिंग अभी ज्यादा है. एक होता है डेटा डेफिशिएंट, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है उस स्पीसीज का. डेटा डेफिशिएंट नॉट इवेल्युएटेड, डेटा डेफिशिएंट में उस ऑर्गेनिज्म को देखा है लेकिन हमारे वो डेटा में अवेलेबल नहीं है. डेटा डेफिशिएंट नॉट इवेल्युएटेड का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी स्पेशली 1.9 मिलियन स्पीसीज आज के समय पर भी हमारी ऐसी हैं जो हमें उनके बारे में पता ही नहीं है, वो हमारे IUCN में इंक्लूड ही नहीं है. यहाँ पर क्या है, वो इंक्लूड ही नहीं है. आपका जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी. कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी में यहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन है, देखिए यहाँ पर भी एटलीस्ट आप लोगों को अपना खुद से लिख के आना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि नैरोली यूटिलाइजेशन रीजन, नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस में ये है, ह्यूमंस आर रिपिंग मटेरियल बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडायवर्सिटी. हम लोगों को पता है कि जो ह्यूमंस है धीरे धीरे करके किस तरीके से बायोडायवर्सिटी से अपने चीजों का
अपनी नीड्स को पूरी कर रहे हैं, चाहे वो फूड हो, क्लोथ हो, शेल्टर हो, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो, चाहे ऑर्नामेंट्स हो, परफ्यूम्स हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अगर हम लोग नैरोली हम लोग अपनी नीड पूरी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसका एक नैरोली थोड़ा सा यूज कम कर दें तो हो सकता है हमारी बैटरी थोड़ा सा कंजर्व हो जाए। जैसे कि मेडिसिनल यूज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, एक हमारा अनदर फैक्टर है, इट शेयर्स 25% ऑफ ग्लोबल मेडिसिन मार्केट एंड अराउंड 25,000 स्पीसीज आर पुट टू यूज बाय ट्राइबल्स वर्ल्ड वाइड एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो आप सोचो कि यहाँ पर कितना ज्यादा मेडिसिनल प्लांट का हम लोगों का एक्सप्लोर हो रहा है। इसको थोड़ा सा कम कर दें थोड़ा सा हम लोग, तो हमारा जो इकोसिस्टम है बहुत हो सकता है ब्रॉडली यूटिलाइज्ड। रीजन ब्रॉडली यूटिलाइज्ड में वही है हम लोगों का, जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट है, वो हमारा 20% टोटल ऑक्सीजन पूरे अर्थ एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करता है। सो वी नीड टू रिकंसीडर रिक्रिएशनल यूज ऑफ डाइवर्सिटी टू। अगर हम लोग उस चीज का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उस चीज को क्यों ना हम लोग उतना बढ़ाए भी, जितना अमेजोन फॉरेस्ट हमें 20% टोटल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है कर रहा है, लेकिन हम उसमें कुछ पेड़ भी तो काट रहे हैं, कुछ नुकसान भी कर रहे हैं, तो उसका जो टोटल ऑक्सीजन परसेंटेज है वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो क्यों ना हम उसको इंक्रीज करें। जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसको उतना बढ़ाए भी तो सही। एक होता है हमारे एथिकल रीजंस, कुछ एथिकल रीजंस होते हैं, एथिकल रीजंस है यहाँ पर कुछ, जैसे लोग भगवान, जैसे भगवान की पूजा करते हैं पेड़ों की, जैसे पीपल के पेड़ की, तुलसी के पेड़ की और बरगद के पेड़ की एथिकल रीजंस होते हैं, राइट, कि हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, एथिकल रीजन में तो दोनों चीज आ जाती है, दो चीज आती है, एक तो ये है कि आप लोगों के कुछ मिथ्स होते हैं, मिथ होते हैं कि नहीं भी ये भगवान का पेड़ है, इनकी पूजा करते हैं, इनको काटना नहीं है, ये सारी चीजें। कुछ होता है हम लोग इकोनॉमिक यूज, इकोनॉमिक यूज यानी कि हम लोग को जैसे वहां जो लोग रहते हैं वो लोग सीधा बोल देते हैं कि दैट यू हैव नो राइट टू कट द फॉरेस्ट और ऑल द ट्रीज, ठीक है, तो लोग वहां के काटने नहीं देते हैं, कुछ अपने एथिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू रहते हैं, और लोग वहां इसके अलावा अपनी चीजों को, नीड्स को फुलफिल करने के लिए रोड बनानी है, हाईवे बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो लोग क्या करते हैं वहां की चीजों को काटना शुरू कर देते हैं अपने इकोनॉमिक यूज के लिए, करते कि नहीं करते, तो एथिकल रीजंस है। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी में एक सेकेंड, एक तो आता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक आता है आप लोगों का एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इन सीटू कंजर्वेशन की। प्रोटेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विल ऑटोमेटिकली टेक्स प्लेस इफ इट्स नेचुरल हैबिटेट इज प्रोटेक्टेड, लाइक अनाउंसिंग खाना फॉरेस्ट रिजर्व टाइगर रिजर्व, दिस इज कॉल्ड एन इन सीटू कंजर्वेशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कंजर्वेशन। Nothing conservation at home. Around 34 biodiversity hotspot have been identified by the conservation. In situ conservation में simple है कि यहाँ पर कोई भी natural habitat है, automatically उसको protect करना। Suppose करिए कोई जंगल है, ठीक है, पहले खुला हुआ था, बिल्कुल open area था, लोग वहाँ जाते थे, पेड़ काट रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, loss हो रहा था, लोग government ने क्या किया उसके चारों तरफ boundary करवा दी, ठीक है, उसमें कोई change नहीं करवाया, जैसा था वैसा करवा दिया, उस चारों तरफ बाउंड्री करवा दी, लोग इधर से घुसे ना और थोड़ी सी पुलिस फोर्स लगा दी, प्रोटेक्शन दे दिया, वहां पे कोई चेंज नहीं किया, बस जैसे के तैसे था, दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन, कि नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, बस उसके चारों तरफ बाउंड्री लगा दी, थोड़ी सी प्रोटेक्शन दे दी, हो गया इन सीटू कंजर्वेशन, गॉट इट। एंड यहाँ पे बिकॉज देर आर रीजन विद हाई स्पीसीज रिचनेस एज वेल एज डेंसिटी, तो उसको खराब क्यों करना, ये थोड़ फोड़ करो, ये करवाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट बाउंड्री कराओ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा दो, इन सीटू कंजर्वेशन हो गया। ये सारे आप लोगों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट होता है आप लोगों का एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में वही है, समटाइम्स वेन अ स्पीसीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेशल मेजर्स हैव बीन अंडरटेक टू प्रोटेक्ट इट, इट माइट बी प्रोटेक्टेड इन कैप्टिविटी एज वन ऑफ द मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन। एक सीटू कंजर्वेशन में क्या हुआ कि कोई भी एनिमल है, सपोज करिए कहीं पर रह रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके इसका डिक्लाइनेशन होता जा रहा है, तो उस एनिमल्स को वहां से मूव करवा के कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करवा दिया, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, पार्क में, कहीं पर भी, जू वगैरह में, अब वहां पर उसकी देखभाल हो रही है, प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उसको दूसरे आर्टिफिशियल, जहां पर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ ही बनाया गया है, वहां पर उसको शिफ्ट करवा दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा मन नहीं लगेगा थोड़े से, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, समझ में आ गया।
बाकी आप जानते हैं सफारी पार्क, जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन्स, ये सब कुछ होते हैं वहां पर, सब कुछ उनको प्रोवाइड कराया जाता है, प्रोटेक्शन से लेकर खाना से लेकर सब कुछ प्रोवाइड वहाँ किया जाता है और वो सेफ नहीं रहता है वहाँ पर। डू यू नो मे डॉक्टर अकीरा मियावाकी के बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग, उसके है बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एक्ट था 2002। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अर्थ समिट रियो डो जनेरियो एंड इज पार्टी टू कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीटीयू 1992। Provide framework for the sustainable management and conservation of country's natural resources. Government passed Biological Diversity Act in the year of 2002 in compliance with CBD. And this law broadly defined biodiversity as plants, animals, and microorganisms and their parts and their genetic materials, byproducts, सब कुछ ये provide कराना चाहता है, लेकिन सारी चीजों को देखते हुए, सारी चीजों को यहाँ पर देखते हुए, ऐसा नहीं है कि बस लॉस करे जा रहा है, सारी चीजों को देखते हुए लोगों की नीड्स भी पूरी करना एंड देन वहां पर उनको सारी चीजों को पहुंचाना भी, ये एक्ट इसके तहत आ जाता है। एक आया था थ्री टायर सिस्टम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड विद नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एट द नेशनल लेवल, द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एट द स्टेट लेवल, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी एट द लोकल लेवल for approval of utilization of any biological resource for commercial or research purpose. यहाँ से दो मार्क्स का क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। इसके अलावा फॉरनर्स के लिए भी मैंडेटरी है, एनआरआई वगैरह के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए, टू सी का परमिशन फ्रॉम एनबीए बिफोर एक्सप्लॉइटिंग लोकल रिसोर्सेज, अदरवाइज को आपको जेल जाना पड़ेगा और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। नो द कंजर्वेशनिस्ट राइट बाई प्रॉपर्टी है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हम लोगों को पढ़ने नहीं है, पहले बता दिया मैंने आप लोगों का आने का रिड्यूस पार्ट है। उसके बाद आप लोगों का जो मेन आ रहा है, हाँ ये वाला है मिशन हरित महाराष्ट्र, ये आप लोगों का लास्ट पॉइंट है, बाकी के बिल्कुल आप लोगों के रिड्यूस पार्ट है। ये मिशन हरित महाराष्ट्र है, ये है कि 50 करोड़ ट्रीज इन 4 years वॉज टेकन अप बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन द ईयर ऑफ 2016, ठीक है इतना मार्क कर लीजिए। उसके बाद है द प्लांटेशन ड्राइव इज इन लाइन विद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी व्हिच एम्स एट मेंटेनिंग 33% फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। अ 24-hour टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 9226 कॉल्ड हेलो फॉरेस्ट हैज बीन सेट अप टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांटेशन प्रोटेक्शन एंड फॉर मास अवेयरनेस। इतना करिए क्योंकि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का तो पूछेंगे ही पूछेंगे, अगर ये आता है तो समरी आएगी पूरी लिखने के लिए 5 से 6 मार्क्स ही, कितना लिखना है वो मैं आपको बता दी हूँ, बाकी का समझ में तो पता ही है क्या बोला गया है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज क्रिएटेड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड माई प्लांट्स, ठीक है, टू रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ द प्लांटेशन, इतना मार्क करिए। अथॉरिटीज आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ सैपलिंग्स इन द फर्स्ट ईयर 2016 2.87 करोड़ सैपलिंग्स वर प्लांटेड, 2017 में 5.17 करोड़, 2018 में 15.7 करोड़, 17 was achieved in the year of 2019 and the government aimed at a phenomenal 33 crore sapling plantation which was launched at Andaman Varora and the government has decided to adapt Japanese Miyawaki method of plantation for this project and state forest department and social forestry department have run successful pilot plantation programs using Miyawaki pattern in various districts like Beed, Hingoli, Pune, Jalgaon, Aurangabad etc. almost pura important hai. ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से बस जो चीज कट है अंडर दिस प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्टिंग का काट दीजिए, बाकी का तो सब इम्पोर्टेंट है। ये जो है हरित महाराष्ट्र मिशन वाला, ये आप लोगों का कब से कब एग्जाम में आएगा तो पूरा लिखने के लिए आएगा, 1 से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछना इससे तो मुमकिन नहीं है, आएगा तो पूरा लिखने के लिए आएगा, एटलीस्ट आप लोगों का कम से कम 5 से 6 मार्क्स में, तो वो आप लोग देख सकते हैं। इससे ज्यादा आप लोगों का और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, जितना था ज्यादातर चीजें वो चीजें थी आप लोगों की जिसमें आप लोगों को खुद से समझ के उसमें आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है। यहाँ पर तो सिर्फ आप लोगों के जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनको याद करके जाइए, उनके अलावा एग्जांपल्स हैं, उसके अलावा इसमें से पूरा एक्सप्लेन किया गया है, उस एक्सप्लेनेशन को एग्जाम में आएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो एग्जाम में आएगा बट यू हैव टू राइट इट ओन, और आपको अपनी तरफ से लिखना है ना कि बुक का कॉपी करके, तो मैं तो यही कहूंगी प्लीज बुक का कॉपी तो मर करके आना, इसलिए मैंने आपको ज्यादा बताया भी नहीं है क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो वही चीज हो जाएगी मैं रटने वाली चीज है और वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। बेटर है पढ़ लिया, टॉपिक ये है कंजर्वेशन के बारे में क्या नहीं जानते, सब आप जानते हो, आप एनवायरमेंट से अवेयर नहीं हो, बायोडाइवर्सिटी क्या है, स्पीसी डाइवर्सिटी क्या है, कहाँ कितनी कितनी पाई जाती है, किस तरीके से इसको कंजर्व करें, किस तरीके से लॉस होने से बचाएं, लॉस क्यों हो रहा है,
यू नो एवरीथिंग. सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस, ये जो चैप्टर आपके सिलेबस का, दैट्स नॉट मोर वेटेज चैप्टर. सो प्लीज इतना ही करिए, उससे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपने तरीके से इसको अपनी लैंग्वेज में लिख आइएगा. जो याद करने वाली चीज है फिर तो याद करिए, उसमें क्या है, उसमें तो याद ही करना है. ओके, इसी के साथ आप लोगों का 12th क्लास का यहाँ रिविजन होता है फिनिश. मैं आपके सारे चैप्टर करवा चुकी हूँ, आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. एक्सरसाइज आपको अवेलेबल है, मिड सेक्शन की एक्सरसाइज आपको अवेलेबल है, वो सब करवा चुकी हूँ. जब मैंने एक चैप्टर एक्सप्लेन किए थे वहां पर जाके देखिए, आप लोगों को लास्ट में मिल जाएंगे. बाकी अब आप लोग अपना खुद का रिविजन करते रहिए एंड आई होप आप लोग को सब चीज क्लियर होंगी. एग्जाम भी अच्छे से देके आएगा एंड रिविजन मोर एज मोर. कॉलेज स्टूडेंट चलिए मिलेंगे आप लोगों को बाद में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम.